नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने बहुत कम समय में ही अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई थी। लोगों को अब भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है कि मोहक सी मुस्कान वाले सुशांत ने महज 34 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे तक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके चाहने वालों में एक नाम और है जिन्होंने घंटों मेहनत करके रेत पर सुशांत की तस्वीर उकेरी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं रेत कलाकार रुपेश सिंह की, जिन्होंने अपने अंदाज में सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। रुपेश का कहना है कि उन्होंने सुशांत की फिल्मों के डायलॉग से जिंदगी जीना सीखा, लेकिन इस तरह वो हमें छोड़कर चले जाएंगे सोचा नहीं था। आप भी सुनिए उनका ये पूरा बयान। आज हम सबके सेलिब्रिटी, देश के उभरते हुए सितारे, फिल्म जगत के हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने आज रेत पर उनकी छवि उकेर कर और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया हूँ। और इसके साथ मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि अगर जिनसे हम एक शब्द सीखते हैं, अगर वैसे हीरो जो फिल्म के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देश और दुनिया को एक संदेश देते हैं, अच्छा कार्य सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, अगर वो लोग खुदकुशी करने लगेंगे तो बाकी दुनिया का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। यही मेरा संदेश है कि ऐसे रियल हीरो अगर खुदकुशी करते हैं तो देश के लिए, देश के हित में अच्छा नहीं होगा। बहुत दुखी हूँ और इसी लिए मैंने इनकी रेत पे छवि उकेर कर और श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है।